हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, सौरभ करवी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, एक के बाद एक सारे चाइनीज ऐप बैन हो चुके हैं और भी आगे बैन होने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पे बैन हुआ है पबजी। तो ऐसे में कई लोगों के माइंड में ख्याल आता होगा कि यार पबजी मोबाइल से हमारा कौन सा डेटा लीक या चोरी हो रहा था। तो आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि ये जितने भी चाइनीज ऐप्स हैं इनसे कौन कौन सा डेटा हमारा कलेक्ट होता है उनके पास, और एज अ कंट्री हमारे लिए क्या रिस्की हो सकता है, और एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी अगर इस तरह का डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे। सो फ्रेंड, ये जितने चाइनीज ऐप थे इन इंक्लूडिंग पबजी, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट परमिशन मांग लेते थे। जैसे कि वो मांगते थे आपका लोकेशन, मतलब आप कहां से अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, किस जगह पे रहते हैं, क्या लोकेशन है आपकी, और कहां से ज्यादा लोकेशन से हमारा ऐप यूज हो रहा है। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए वो आपकी लोकेशन की परमिशन मांगते थे, चाहे फिर आप वो फ्लैश लाइट वाला ऐप्स क्यों ना डाउनलोड कर रहे हो। सेकंड परमिशन वो मांगते हैं फ्रेंड्स स्टोरेज की, आपके मोबाइल में जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी आप मेमोरी कार्ड लगाए हुए हैं, जो भी आपकी इंटरनल स्टोरेज है उसको एक्सेस करने की परमिशन मांगते थे, चाहे तो वो फिर बैक एंड में आपके मोबाइल का सारा डेटा अपने सर्वर पे वो डाउनलोड करके रख ले, उसकी भी वो परमिशन मांगते थे। थर्ड परमिशन मांगते थे फ्रेंड्स सभी के सभी चाइनीज ऐप्स इंक्लूडिंग पबजी, आपके कॉन्टेक्ट नंबर जो भी आपके मोबाइल में नंबर सेव है उनको वो सारे के सारे अपने पास रख लेते हैं, ये कह के कि हम आपको बेटर सर्विस देंगे या फिर हम आपके जो भी फ्रेंड होंगे उनको तुरंत सजेस्ट कर देंगे। फोर्थ और इंपॉर्टेंट परमिशन सभी के सभी चाइनीज ऐप्स आपसे लेते हैं वो है मैसेज रीड का। जी हाँ फ्रेंड, जो भी आपके पास ओटीपी आती थी, जो भी आपके पास टेक्स्ट मैसेज आता था उसको रीड करने की परमिशन ये सारे के सारे चाइनीज ऐप्स लेते थे। समझ लीजिए कितना बड़ा ये रिस्क हो जाता था कि मैसेज को रीड करने का, आपके जो भी बैंक की ओटीपी आती थी या भी कोई अदर अकाउंट की वेरिफिकेशन की ओटीपी आती थी वो लोग अपने सर्वर पे अपलोड कर रहे थे और उसको बहुत ही आसानी से रीड कर पा रहे थे। फिफ्थ परमिशन जो कि काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आपका माइक और कैमरा। माइक और कैमरे की भी परमिशन मांग लेते हैं। आप समझ लीजिए कितना बड़ा रिस्क हो जाता है जब माइक और कैमरे का परमिशन आप उसको दे देते हैं, वो कभी भी बैकएंड में आपका कैमरा चालू करके आपकी जगह की चीजों को देख सकते हैं, साथ ही साथ आप किससे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑथेंटिकेशन रहता है कि आपके माइक को एक्सेस कर पाए, आपकी वो बातें भी सुन सकते हैं जो भी आप बातें कर रहे होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट फ्रेंड्स वो यहां तक कि इस बात की भी परमिशन मांगते हैं कि आपका मोबाइल का मॉडल कौन सा है, आपके मोबाइल का IMEI नंबर क्या है, आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपके मोबाइल में किस कंपनी की सिम यूज हो रही है, ये सारी डिटेल्स उनके पास रहती है और उनके पास सारी जानकारी आपके मोबाइल का कंट्रोल आप वहां पे दे देते हैं एक छोटे फीचर को यूज करने के लिए। सेवेंथ एंड लास्ट फीचर फ्रेंड्स, आपका फेसबुक लॉगिन या जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के लिए परमिशन मांगा करता है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत ही इजी वे में लॉगिन करने के लिए कहता है, तो आप जल्द से जल्द कहता है कि हमको फेसबुक की परमिशन दे दीजिए, लॉगिन विद फेसबुक कर लीजिए या फिर जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। ऐसे में फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके सारे फ्रेंड्स के लिस्ट की जानकारी उनके पास चली जाती है, और अगर आप जीमेल अकाउंट से करते हैं तो उनके पास चले जाते हैं आपके सारे ईमेल एड्रेस, जो भी आपके कॉन्टेक्ट एड्रेस रहते हैं उस तरह के सभी एड्रेस उनके पास चले जाते हैं, वो आपसे परमिशन लेके अपने पास रख सकते हैं। बहुत से तो चाइनीज ऐप्स बड़े कमाल के होते हैं, वो तो कैलेंडर तक भी आपसे परमिशन मांग लेता है कि कैलेंडर की भी भाई परमिशन दे दो कि आपका क्या इवेंट है, किसका बर्थडे है, किसकी एनिवर्सरी है, ये सब तमाम जानकारी वो अपने पास कलेक्ट करके रख लेते हैं। फ्रेंड ये कुछ इंपॉर्टेंट परमिशन थी जो कि सारे चाइनीज ऐप्स लेते ही लेते थे, और भी इसके अलावा परमिशन है। वैसे यहां पे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट परमिशन बता दिए जो कि काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, और भी जो परमिशन अगर छूट गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अब फ्रेंड जान लेते हैं कि ये परमिशन लेके कैसे इनका मिसयूज कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल पर्सन की बात किया जाए तो जैसे कि टिकटॉक फ्रेंड्स, तो उसने तो बहुत ही बड़े कारनामे कर रखे थे। वो कारनामे क्या कर रखा था फ्रेंड्स कि वो आपसे परमिशन ले रखे था और कुछ चीजों की परमिशन बगैर लिए ही आपका डेटा ले रहा था, जैसे कि आप अपने मोबाइल पे क्या मैसेज टाइप करते हैं, क्या मैसेज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इस तरह की तमाम जानकारी वो अपने आप पास सर्वर पे रख रहा था। हाल ही में iOS में एक नया अपडेट आया था कि आपके टेक्स्ट में क्या कॉपी किया जा रहा है, कौन क्या पेस्ट किया जा रहा है, इस बात की जानकारी कौन कौन से ऐप्स कर रहे हैं, तो यहां पे निकल के आया था टिकटॉक आपके जितने भी मैसेज टाइप होते थे, जो भी आप कॉपी पेस्ट करते थे, ये सारी जानकारी वो अपने पास सर्वर पे स्टोर करके रखता था। फ्रेंड्स यहां पे देखिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी मिस हो रही थी। अब होता क्या है फ्रेंड, जैसे ही आप अपने पासवर्ड को टाइप करते तो ये टिकटॉक के सर्वर पे तुरंत जानकारी जा रही थी। अगर आप किसी को कोई मैसेज टाइप कर रहे थे या कोई पर्सनल और सीक्रेट
मैसेज या डेटा दे रहे थे तो इस बात की जानकारी टिकटॉक के पास जा रही थी। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स उनके पास मैसेज की परमिशन रहती है। तो अब आपके मोबाइल पर जितने भी ओटीपी आ रहे, जितने भी मैसेज आ रहे, जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही, वो उनके सर्वर पे तुरंत जा रहा और उसका वो मिसयूज कर सकते हैं। आप कोई भी अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा होगा, वहां पे उनको पासवर्ड की देखिए जानकारी हो गई क्योंकि आपके वो मैसेज टाइप को जान पा रहे थे। सेम ऐसे ही जैसे ही ओटीपी आएगा तो वो ओटीपी को भी रीड करने की परमिशन ले रखे, तो वो ओटीपी को रीड करके कहीं से भी कोई भी अकाउंट को हैक कर सकते थे और उसका मिसयूज कर सकते थे। फ्रेंड्स ये बात तो हो गई इंडिविजुअल पर्सन के लिए, अब एज अ कंट्री देखें कि इंडिया के लिए क्या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये चाइनीज ऐप्स। फ्रेंड्स क्या होता है कि सारे चाइनीज ऐप्स के पास आपके लोकेशन का परमिशन होता है, तो ऐसे में वो लोग ये जान पाते हैं, मान लीजिए कि चाइना का ही एग्जांपल ले लें कि वो चाइनीज कंट्री ये पूरी तरह से जान पाती है कि कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग रह रहे हैं, कहाँ पे इनकी घनी आबादी है, कहाँ पे आबादी कम है, कहाँ पे ज्यादातर लोग एक्टिव हैं, और वहां पे वो टारगेट कर सकते हैं किसी भी मिसयूज के लिए। फ्रेंड उनके पास मैसेज का ऑथेंटिकेशन रहता है तो एक एक मैसेज को और मोबाइल को कंट्रोल देख पा रहे होते हैं, तो वो कभी भी साइबर अटैक कर सकते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट को हैक करना, बैंक बैलेंस को ट्रांसफर कर लेना, इस तरह की तमाम काम वो बहुत ही चुटकियों बजा के कर सकते थे। और भी कई रिस्की काम है जो कि एक कंट्री के पास अगर किसी दूसरी कंट्री का डेटा जा रहा है तो वहां पर रिस्क हो सकता है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी चाइनीज ऐप्स को बैन किया हुआ है। वैसे अदर ऐप्स भी हैं हमारे मोबाइल से परमिशन लेते हैं और काफी ज्यादा रिस्क तो है ही है। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, अभी आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए और ऐप में जाइए, वहां पे देखिए अपने मोबाइल के परमिशन को, और जिस परमिशन की जरूरत उस ऐप्स को नहीं है उनके परमिशन को आप डिनाई कर दीजिए। ये एक पहला कदम हो सकता है सिक्योरिटी के पर्पज से। जैसे कि अगर आप गैलरी का यूज करते हैं तो गैलरी ऐप को देखिए किस किस चीज की परमिशन ले रखा है, वहां पर देखिए कि आपका कॉन्टेक्ट का भी परमिशन मांग रखा है, मैसेज का भी परमिशन मांग रखा है और लोकेशन। मुझे नहीं लगता कि गैलरी वाला जो ऐप्स है उसको आपके कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ेगी, आपके लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए लोकेशन की तो पड़ सकती है, लेकिन कॉन्टेक्ट और मैसेज की क्या जरूरत है उस गैलरी ऐप्स को, तो वहां पे जाके उसको डिनाई कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन है नहीं। वैसे तो फ्रेंड हम लोग मोस्टली चाइनीज मोबाइल ही यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कंट्रोल तो उनके पास है लेकिन थोड़ा बहुत परमिशन को रोक के हम उनसे बच सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए, और अगर आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे थे तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपडेट रहें, सुरक्षित रहें।